हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुनीतास किचन। आज मैं आप लोगों के साथ कद्दू यानी कि पम्पकिन की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगेगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कद्दू की बर्फी बनाना बहुत ही ईजी है और बहुत कम टाइम में, बहुत ही कम इन्ग्रीडियंट्स में बन जाती है और इसका टेस्ट बहुत ही डिफरेंट है। शायद आप लोगों ने लौकी की बर्फी बनाकर खाई होगी, पर प्लीज़ आप इस वीडियो को देखिए और इस रेसिपी को अपने घर पर ज़रूर ट्राई करें। यह रेसिपी बहुत ही अलग है और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है। तो चलिए देख लेते हैं पम्पकिन की बर्फी बनाने के लिए हमें किन किन सामग्री की आवश्यकता है। 300 ग्राम कद्दू है यानी कि पम्पकिन, इसे अच्छी तरह से धो ले, छील ले और कद्दूकस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने कद्दूकस कर लिया है, घिस कर कद्दू तैयार है। 200 ग्राम चीनी है, 4 स्पून घी है, 8 से 10 कटा हुआ बादाम, 8 से 10 कटा हुआ काजू, 15 से 20 किशमिश। आप अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। मावा लिया है 200 ग्राम। अब गैस पे कढ़ाई चढ़ाएं, उसमें घी डालें, घी को अच्छी तरह से गर्म होने दें। यहाँ पर देखिए घी अच्छे से गर्म हो गया है, तो घिसा हुआ कद्दूकस हम डालेंगे घी में और इसे अच्छी तरह से भूनेंगे। इसे लगातार भूनते रहेंगे, जब तक भूनेंगे जब तक कि जो कद्दू का पानी है वो सूख ना जाए। तो यहाँ पे ढक देंगे, बीच बीच में इसे चलाते रहें और ढक करके ही भूनना है ताकि जो कद्दू है वो जल्दी गल जाए। और ये देखिए पानी छूट रहा है, तो इसे तब तक भूनें जब तक कि पानी सूख ना जाए। 6-7 मिनट बाद देखेंगे कि कद्दू का पानी सूख गया है, तो इसे और 5 मिनट तक भून लेंगे। बीच बीच में चला चला कर भूने, यहाँ पे देखिए 5 मिनट और हमने भून लिया है, पानी अच्छी तरह से सूख गया है। तो अब इसमें चीनी मिलाएं, अच्छी तरह से मिक्स करें, चीनी भी अपना पानी छोड़ेगा और चीनी के पानी सूखने तक इसे भूने। इसे ढक दिया है, अब देखेंगे कि पानी छोड़ रहा है, तो इस पानी को सूखने तक चलाते रहें बीच बीच में और इसी तरह से पूरे पानी को सुखा दें। कद्दू के साथ में चीनी का पानी सूखने में भी कम से कम 8 से 10 मिनट लगा है और इसे बिल्कुल अच्छी तरह से पानी सूखने दें, तभी जो बर्फी है वो अच्छे से जम पाएगा। और यहाँ पे पानी सूख गया है तो मावा मिला दें, कटा हुआ ड्राई फ्रूट्स डाल दें जैसे कि काजू, बादाम, किशमिश। आप अपने टेस्ट के अनुसार कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दे चलाते हुए ताकि मावा का कोई भी गांठ ना रहे। मावा अच्छे से मिक्स हो गया है और पानी बिल्कुल सूख गया है। इस कद्दू को इतना भूनना है कि बिल्कुल टाइट हो जाए, कोई भी पानी ना रहे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कद्दू बिल्कुल भून करके तैयार है। अब गैस ऑफ कर दें। ये कद्दू बन करके तैयार है। अब एक प्लेट में घी लगा लें, आप केक टिन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो कद्दू का मिक्सचर बना हुआ है उसे प्लेट में निकाल लें, इसे चारों तरफ से इस तरह से फैलाते हुए बराबर कर लें क्योंकि हमें बर्फी का शेप देना है। इसे इस तरह से बराबर कर लें, आप किसी स्पैचुलर या फिर स्पून के सहायता से भी बराबर कर सकते हैं। ऊपर से थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल दें ताकि देखने में अच्छा लगे। रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने दे 5 से 7 मिनट। जब हल्का ठंडा हो जाए तो इसे चाकू से बर्फी का शेप दे दे ताकि जब जम जाए तब काटने में आसानी हो। तो मैं हल्का शेप दे देती हूँ, आप अपने मनपसंद आकार के दे सकते हैं। मैं यहाँ पे चौकोर शेप दे रही हूँ। रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के बाद हमने कटिंग कर ली, उसके बाद फ्रिज में रख देंगे सेट होने के लिए 1 से 2 घंटे तक ताकि बर्फी अच्छे से सेट हो जाए। अगर आपके पास टाइम है तो आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 3 घंटे बाद निकाला है और ये देखिए बर्फी बन करके तैयार है। आप इसे एक प्लेट में निकाल करके प्लेटिंग कर लें। तो देखा आपने कितना इजी है कद्दू की बर्फी बनाना और इसका टेस्ट बहुत ही अलग है। आप अगर अपनी दिवाली को कुछ खास बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को आज की रेसिपी बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।